चंडीगढ़ वासियों के लिए एक बड़ी खबर, टू व्हीलर की रजिस्ट्रेशन अब बंद होने जा रही है, जिसको लेकर ऑटोमोबाइल कंपनी में अफरा तफरी का माहौल है। जो डीलर्स हैं वो परेशान है, लगातार गवर्नर एडवाइजर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से फाइनली टू व्हीलर की रजिस्ट्रेशन को बंद करने का फैसला ले लिया है। सिर्फ आज की डेट में 226 रजिस्ट्रेशन रह चुकी है, जिसके बाद टू व्हीलर की रजिस्ट्रेशन आज से कह सकते हैं कि 226 के बाद बंद हो जाएगी, यानी कि आज कल में ये बंद हो जाएगी। उसके बाद 1802 फोर व्हीलर की रजिस्ट्रेशन रह चुकी है, जो कि नवंबर तक वो भी बंद हो चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रजिस्ट्रेशन जो पॉलिसी आई है उसको लेकर ये बड़ा फैसला चंडीगढ़ प्रशासन ने किया है। लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनी में जो फेडरेशन है, जो एसोसिएशन है, उनकी लगातार मीटिंग्स हो रही है, लेकिन मीटिंग्स का किसी भी तरह से कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। हमारे साथ राम कुमार गर्ग जी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का। राम कुमार जी, जिस तरह से फैसला लिया गया है, लगातार आपकी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन अब ये फैसला हो चुका है, लास्ट स्टेज पे है, 226 रह चुकी हैं, आज कल में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल टोटली बंद। देखिए, आपके माध्यम से हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को यही बताना चाह रहे हैं कि चंडीगढ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स की ये ब्लैक दिवाली होगी अगर ये फैसला गवर्नमेंट, चंडीगढ़ गवर्नमेंट, गवर्नर साहब के थ्रू, एडवाइजर साहब के थ्रू इसको नहीं चेंज करते, इट विल बी ए ब्लैक दिवाली फॉर चंडीगढ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स। हरियाणा में हम पंचकुला, पंजाब में मोहाली, वहाँ के डीलर्स अपनी दिवाली को खुशी से मनाएंगे और हम अपने घर में बैठ के मातम मनाएंगे, यही समझ लीजिए आप। बस जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपने घर में बैठेंगे, जिनको दिवाली पे कुछ दिया जाता है, बोनस देते थे ताकि भाई वो अपने घर के अंदर मिठाई और खुशियाँ और गिफ्ट लेके जाएं। पर अब क्या करेंगे हम, जब अब हमारे घर में कुछ नहीं होगा तो हम क्या देंगे उनको। अब तो एक उम्मीद सिर्फ गवर्नर साहब से ये है कि इस कैपिंग को इमीडिएटली विड्रॉ करें, जो कि हर हिंदुस्तान में कहीं भी लागू नहीं है। बिल्कुल सारे हिंदुस्तान में लागू नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, फर्स्ट टाइम इन चंडीगढ़, फर्स्ट टाइम इन चंडीगढ़। इसके लिए हम बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब 2022 में पॉलिसी बनाई थी तब भी हमने कहा था, आज भी किसी स्टेट की पॉलिसी निकाल के देख लीजिए आप, कहीं भी ये पॉलिसी लागू नहीं है कैपिंग की। तो सर, इस टाइम अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में कितने ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं और कितने लोग इसके साथ जुड़े हैं काम? तकरीबन 35 डीलर्स ऑटोमोबाइल में हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर के, जिनके साथ 6000 स्टाफ वर्कर्स लगे हुए हैं। हर एक के घर में तीन तीन चार चार आदमी हैं ही हैं, जिससे 24-25 हज़ार आदमियों के लिए एक घर में रहना, खाना पीना, ऐसी नौबत आ जाए कि वो सड़क पे आ जाएंगे 6000 आदमी। ये आपको मैं बता रहा हूँ, पहले भी कह चुके हैं, सरकार से भी निवेदन कर चुके हैं कि आप इस चीज़ को सोचिए, गहराई से सोचिए। GST, रजिस्ट्रेशन टैक्स, इंश्योरेंस होते हैं उसके ऊपर GST, जो स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूटरों पे, कारों में एक्सेसरी लगती हैं, उसका GST, बिल्कुल एक लॉस है चंडीगढ़ के लिए। और फिर अगर साल में 2-3 महीने बंद होता है, 6 महीने चलता है, तो करोड़ों रुपए की जो लागत लगी हुई है, स्टॉक के ऊपर भी लगी हुई है, शोरूम लगे हुए हैं, इन्वेंटरी के ऊपर स्टॉक लगे, बैंकों से लोन ले रखे, कहाँ से देंगे बैंकों की लोन की किस्तें, हम बताइए आप। गवर्नमेंट को सारी चीज़ सोचनी चाहिए, रातों रात उठ के एक पॉलिसी को लागू करके, ड्रेकोनियन लॉ है ये, ड्रेकोनियन लॉ चंडीगढ़ के लिए। लेकिन कहता नजर आ रहा है कि ग्रीन सिटी बनाना है, इलेक्ट्रिक को जो है वो प्रमोट करने के लिए। तो ग्रीन सिटी चंडीगढ़ को बनाना है, सारा हिंदुस्तान है, आप इंदौर हिंदुस्तान का क्लीनेस्ट सिटी है, हर एक चीज में नंबर वन पे आता है, सबको मालूम है। क्या वहाँ पे ये EV पॉलिसी लागू है, कैपिंग की है वहाँ पे? नहीं है। दिल्ली में है, दिल्ली तो स्टेट कंट्री की राजधानी है, वहाँ पे बताइए कौन सी पॉलिसी लागू है, ईवी पॉलिसी के ऊपर कैपिंग है, कोई बताइए। ईवी पॉलिसी जो बनाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी कि 2030 तक 80% टू व्हीलर, 30% फोर व्हीलर की हम ईवी पॉलिसी के मुताबिक उनको कार बैटरी पे और बिजली पे हम शिफ्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, ना कि के हम जबरदस्ती बंद कर देंगे गाड़ियों की। आज के दिन चंडीगढ़ के अंदर हजारों ट्रक आता है दूसरी स्टेट से, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से, दिल्ली से, इतना वो सामान लेके आते हैं, क्या सारा वो बंद कर देंगे, व्यापार बंद कर देंगे चंडीगढ़ का? गवर्नमेंट कर क्या रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। सब जगह से कारें भी आएंगी, स्कूटर भी आएंगी, दूसरी जगह से आएंगी, क्या हमारे 2000 15-20 हज़ार स्कूटर बेचने से या 15-20 हज़ार कारें बेचने से
चंडीगढ़ ज्यादा क्लीन हो जाएगा क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास? आप ये बता दीजिए। इन्होंने कहा था 100 चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे 2022 में, आज तक 15-20 नहीं है, वो भी चलती नहीं है। एमसी से कहा भी हमें जगह दे दो, हम चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारे पे जगह ही नहीं है, कहाँ दें? पार्किंग लॉट्स के ऊपर पहले ही वहाँ पे मत्था चुप्पी होती है, जो गाड़ियाँ खड़ी ही नहीं हो पाती। मार्केट्स वालों ने कह दिया हमारे मार्केट्स में कोई चार्जिंग स्टेशन मत लगाओ, यहाँ पे पहले ही इतना रश है कि गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है। तीसरा एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको जो नहीं समझ रहे, आज के दिन इलेक्ट्रिक स्कूटर जो अच्छी क्वालिटी का है TVS का उसका, वो 1.25 लाख से 1.5 लाख का है। और आपको मालूम है उसकी बैटरी कितने की है? 1,10,000 की बैटरी है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये आज के दिन अगर मान लो 3 साल की वारंटी देती है या कंपनी 5 साल की वारंटी देती है तो उस कीमत 5 साल में 3 साल में क्या होगी? 1.5 लाख। अगर मान लो बैटरी गई वो स्कूटर, या तो 1.5 लाख की बैटरी करे नहीं तो कंडम करे। पर IC इंजन के अंदर वही स्कूटर 8-10 हज़ार के अंदर ओवरहॉल करा के दोबारा सड़क पे आ सकता है। कई चीज़ें हैं सर ने जैसे बताया कि बहुत चीज़ों को लेकर सोचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, और बार बार जो है इनकी मीटिंग का दौर भी है, लेकिन शहरवासी क्योंकि फेस्टिवल सीजन है जैसे सर ने भी बताया, और 60-70% जो लोग हैं वो इस बार इस साल खरीदारी करते हैं, जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं वो बाइक्स एक्टिवा की खरीदारी करते हैं, लेकिन अब जो ये फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है, बड़ा फैसला कह सकते हैं, कि अब 2-व्हीलर की रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, यानी 1-2 दिन के अंदर चंडीगढ़ में कोई भी 2-व्हीलर बाइक एक्टिवा वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। RLA ने बड़ा स्पष्ट कह दिया, इसकी फाइल का फाइनल हो चुका है, प्रशासन की तरफ से मोहर लग चुकी है। अब देखना होगा कि जो मीटिंग्स अगर इनकी होती है आजकल में गवर्नर साहब से, तो किस तरह के इनको टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। और उसके बाद 4-व्हीलर को लेकर भी 1802 रजिस्ट्रेशन के बाद 4-व्हीलर की भी रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ में बंद कर दी जाएगी। EV पॉलिसी के तहत अब 2-व्हीलर 4-व्हीलर जो नॉन इलेक्ट्रिक है वो चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, वीडियो टीम पंजाब। एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हिंदुस्तान के अंदर 1.5 करोड़ 2-व्हीलर हर साल बनता है, बिकता है, तकरीबन 12-13 लाख पर मंथ, और इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर 1 लाख पर मंथ। आप इसकी रेशो देखिए कहाँ है, उस रेशो को तो मीट करिए। इसी तरह कारों में 40 लाख कारों के अंदर 40 लाख कार बनती है हर साल, 40-45 लाख, और उसके अगेंस्ट 4-3 लाख स्कूटर वो बनती हैं अपना 40,000, 40-50,000 EV कार बनती है 4-व्हीलर। तो ये मैच कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे बेचने के लिए? क्वांटिटी तो हो, अवेलेबल तो हो, कौन सी कंपनी बना रही है बड़ी? जितनी कंपनियां बना भी रही हैं ना 2-व्हीलर, वो सारी फंसी हुई हैं फेम के अंदर, जिन्होंने नकली पार्ट्स लगा के या चाइना के पार्ट्स मंगा के। ये सब्सिडी जो तो गवर्नमेंट ने बनाई थी, उन्होंने कहा था कि आपने हिंदुस्तान की बनी हुई चीजों से 2-व्हीलर 4-व्हीलर बनाना है, कंपनियों ने ला के चाइना से इधर से उधर से उसमें लगाना शुरू कर दिया। हीरो तक तो उसके अंदर आ गया, 250-300 करोड़ रुपए की उन्होंने क्लेम मांग ली, वो गवर्नमेंट ने वापस हमारी सब्सिडी वापस दो। तो ये चीजों को सबको सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को। चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू होने से 2-व्हीलर की रजिस्ट्रेशन बंद होने वाली है, 1-2 दिन में 2-व्हीलर की रजिस्ट्रेशन बंद होगी, और उसके बाद अगले महीने 4-व्हीलर की रजिस्ट्रेशन बंद होगी। लेकिन जो 35 डीलर चंडीगढ़ में ऑटोमोबाइल डीलर हैं, उनके साथ करीब 10,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं, स्टाफ जुड़ा है, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी सभी जगह हाहाकार है, अफरा तफरी है, क्योंकि प्रशासन का फैसला आपको पता होगा कि प्रशासन की तरफ। हाँ जी, हाँ जी सर, ऐसा है जो EV पॉलिसी निकाली चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने, वो बहुत गलत पॉलिसी है, जिससे हम हजारों लोग जो है इतने सालों से हम कंपनियों में काम कर रहे हैं वो लोग रोड पे आ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, कैसे? पहले ही चंडीगढ़ में नौकरी के लाले पड़े हुए हैं। अब चंडीगढ़ ने एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला करके और लोगों के लिए नौकरियों के लिए और खराब कर दिया, ये पॉलिसी को मुश्किल कर दी हमारी। ये सर जो EV पॉलिसी, इसकी वजह से काफी लोग हैं जो जॉबलेस हो जाएंगे, अभी हम इतने टाइम से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और एकदम से कन्फर्म नहीं है कि कब हम कल आएंगे ऑफिस से, नहीं आ पाएंगे, और टाइम यही डल रहता है, और इसकी वजह से कितने जॉबलेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से कई लोग तो जैसे घर है यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, उनके लिए मुश्किल आ जाएगी। यही है कि ये गलत पॉलिसी है, इसके खिलाफ ही रहेंगे।
ये भी बात है, यही है सर। बिल्कुल, हम तो खुद अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे करके सर्वाइव करके पाल रहे थे, बस एक ये नौकरी का ही सहारा होता है। हमारे तो यही टेंशन है कि कल को नौकरी चल जाएगी, हम बच्चों को कैसे सर्वाइव करेंगे, एजुकेशन कैसे दे पाएंगे, क्योंकि सब जॉब पे डिपेंड होते हैं सर जी। हम तो सारे के सारे अपने हस्बैंड वाइफ मिलके जैसे भी कर रहे हैं सारे, अपना घर बच्चों को लेके कुछ नहीं करता परिवार। अब गवर्नमेंट हमसे यही छीन लेगी तो हम करेंगे क्या? पढ़ लिख के भी कोई फायदा नहीं हो रहा, यहाँ जॉब की पहले बेरोजगारी बहुत है। सर हम इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कल को बंद कर देती प्रशासन तो हम कहाँ जाएंगे? काफी चीजें अपने वो है, घर के खर्चे हैं। पहले कोरोना काल में ऐसा हुआ, फिर ये थोड़ा सा उभर गए थे, फिर अब ऐसे बंद होने लगी, फिर क्या करें? बिल्कुल सर सही बात है, अगर पेट्रोल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो कहाँ जाएगा इतना बड़ा? फाइनेंस इंडस्ट्री भी थोड़ा असर पड़ेगा उसका, जो फाइनेंस करते हैं पेट्रोल। तो अभी ईवी इंडस्ट्री इतनी ग्रो है नहीं अभी, इस करके सर थोड़ा पड़ेगा असर। तो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी सितंबर में लागू हो चुकी थी 2022 में, लेकिन अब यानी कह सकते हैं कि टू व्हीलर्स की जो रजिस्ट्रेशन है एक दो दिन में बिल्कुल बंद हो जाएगी चंडीगढ़ में। इसके अलावा फोर व्हीलर की रजिस्ट्रेशन अगले महीने तक बंद हो जाएगी, यानी कि अब प्रशासन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, सभी की को प्रमोट में लगी है। ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के स्लोगन को लेकर ये किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हालांकि कई फायदे हैं इसके। कोशिश करेंगे हम जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनसे बातचीत करने की कि किस तरह के फायदे हैं, क्योंकि इसमें मेन जो काम होता है वो बैटरी का ही होता है। सर्विस की जा रही है, सर्विस में क्या क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, शहर को किस तरह से ग्रीन करना है क्लीन करना है उसको लेकर। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 में हुई थी तैयार, अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या क्या फायदे हैं सबसे पहले तो जानना चाहिए। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये फायदा होगा, इसमें क्या अगर आप चलोगे तो ये तो फ्यूल कोस्ट है, लो इसकी बिल्कुल भी जीरो मेंटेनेंस है, ठीक है। दूसरा फ्यूल तो इसमें डलता ही नहीं है, घर पे ही चार्ज होती है, सबसे बड़ी बात यह है। मात्र 1.5-2 मिनट में आपकी घर पे चार्ज हो जाएगी और इससे आप 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक चल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सर क्योंकि अभी तक जो बातें सामने आ रही कि चार्जिंग जो चार्जिंग स्टेशन है वो भी पूरे चंडीगढ़ में नहीं हुए, तो किस तरह से उसको देखते हैं? नहीं, चार्जिंग स्टेशन की अगर चंडीगढ़ में बात करें सेक्टर 42 में काफी बड़ा चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, उसका जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, ठीक है। दूसरा आपका 31 में जापानी गार्डन फेज 1 और फेज 2 में भी काफी जो है प्रोजेक्ट लग चुके हैं, ठीक है। बाकी ये व्हीकल्स तो ऐसे हैं घर पे ही 3 पिन प्लग कहीं पे भी हो, चाहे वो घर पे है आपकी शॉप पे है या कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में है वहीं पे चार्ज हो जाएगा। सर क्योंकि अब टू व्हीलर्स की जो रजिस्ट्रेशन है पेट्रोल वो बंद हो रही है बिल्कुल, तो अब इसकी डिमांड्स बड़ी है। हाँ जी, कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स बहुत इंक्वायरी कर रहे हैं और मेरे पास इवन अभी 5 बुकिंग भी है। ओके। पिछले हफ्ते में मेरे पास पूरी इसकी 5 बुकिंग आ चुकी है जिसकी डिलीवरी जो है वो अगले 10 दिन तक हो जाएगी, ठीक है। मेनली बैटरी होती है इसकी? मेनली सर बैटरी होगी, लिथियम आयन बैटरीज होती है और उस बैटरी की काफी अच्छी लाइफ है, इजी टू कैरी है, अगर कोई जैसे फ्लैट में रहता है ऊपर रहता है तो उसको वो निकाल के ले जा सकता है, डिटेचेबल है बैटरी। तो और बैटरी जो बैटरी है वो कितने तक की कॉस्ट की पड़ती है और कितने टाइम की उसकी वारंटी है? सर बैटरी की जो अभी है जो भी कॉस्ट है वो 30,000, ठीक है ठीक है। और अभी जब कस्टमर का जब डलवाने का इसका टाइम आएगा, रिफिलिंग का टाइम आएगा, तो ये आपकी 14-15 हजार की बैटरी होगी सारी। अच्छा, हाँ जी। तो बैटरी के साथ साथ कितना इसका जो है वो टाइम होता है, बैटरी का कितना टाइम देते हैं? बैटरी की लाइफ कंपनी दे रही है 1,00,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर के चलने वाले, यानी कि अगर उसको हम डेज में देखें तो 5-6 साल बाद नई बैटरी का इसका टाइम आएगा डलने का। नई बैटरी का, हाँ जी। इसके बैटरी के साथ साथ क्योंकि लिथियम बैटरी 2-3 टाइप की बैटरी इसमें आती है? हाँ जी, नहीं इसमें सिर्फ लिथियम आयन बैटरी आती है, एक ही फॉर्मुलेशन है NMC लिथियम आयन, उसमें अलग अलग वोल्टेज आती है 60 वोल्ट 23 एम्पेयर, 60 वोल्ट 28 एम्पेयर, इसमें कस्टमर की चॉइस है वो कौन सी एम्पेयर वाली बैटरी लेता है। अच्छा, तो उसका भी प्राइस जो है वो अलग अलग? हाँ, प्राइस में डिफरेंस है। अच्छा। और एवरेज में डिफरेंस आता है, बाकी मॉडल सेम होता है। मॉडल सेम होता है। स्टार्टिंग कितने से है? स्टार्टिंग सर ये 75 से स्टार्ट है हमारे पास, ठीक है, डिस्काउंट अवेलेबल है, और उसके बाद टॉप मॉडल तक ये जाता है आपका 92 तक। तो जैसे सर ने बताया कि हालांकि लोगों की अब डिमांड बड़ी है, लगातार क्यूरीज हो रही है क्योंकि अब टू व्हीलर जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो रही है, जिसके चलते अब ई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको लगातार प्रमोट किया जा रहा है, लोगों में अब इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। हालांकि कोई विदाउट रजिस्ट्रेशन भी हैं, कई विद रजिस्ट्रेशन भी हैं, और इनकी जो बैटरीज की कैपेसिटी है वो भी अलग अलग है जैसे इन्होंने बताया। हालांकि ईजी टू
मूव है, इजी टू चार्ज है, कई चीजें इसमें फैसिलिटीज भी हैं। जैसे इन्होंने बताया कि लिथियम बैटरीज के भी अलग अलग वो आते हैं जिसको लेकर अब काफी ज्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। और चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में भी काफी जो डीलर्स हैं यहां पर आए हैं, नई कंपनीज जो है यहां पर आई है, जो लोग लगातार क्वेरीज करते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमदीप सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।